मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। बुधवार के दिन अगर शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़का जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं। हमारा गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है हमारा, बच्चे पढ़ने में प्रखर होते हैं हमारा। शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। महाराज शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जिंदगी में व्यक्ति की, रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। बस एक निवेदन सबसे करना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हैं और जितने बेतुल की पावन धारा पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक बात कहूं, एक रुपए कमा रहे हो सवा रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, टेंशन आए दिन आ रहा है, कुछ ना कुछ काम अटक रहा है, बच्चों का जॉब नहीं लग रहा, बेटियों की शादी, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, संतान प्राप्त नहीं हो रही। शिव महापुराण की कथा कहती है मीरा बावरी हो गई, कर्मा बावरी हो गई, नामदेव तुकाराम रामकृष्ण परमहंस चैतन्य महाप्रभु भारत की भूमि के जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा ये सबको पागलों की गिनती में गिना गया। और शास्त्र कहते हम भी कहते हैं जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, जितने कथाकार, जितने भगवान की भक्ति में डूबने वाले, जो भगवान की भक्ति में रम रहे हों, भगवान की स्मरण में रम रहे हों, वो सबकी सब पागलों की गिनती में आते हैं। कथा बाचने वाले भी पागल, कथा सुनने वाले भी पागल। समझदार तो वो है जो कथा हमें आती है, समझदार वो है जो कथा सुनना पसंद करते ही। अभी कोई हमारा बुढ़ापा है वो समझदार, दिन रात कमाने में लगे हैं, दिन रात जोड़ जोड़ के लाते जाए देते जाए, लाते जाए देते जाए। पर तभी मन में विचार करो, एक बार तो कम से कम अपने पति से जरूर पूछो, इतना भाग दौड़ करते हो, 8-8 बजे दुकान से जाते हो, रात को 11-11 बजे तक आते हो, किसके लिए कमा रहे हो? दो रोटी सही से नहीं खा पाते हो, दो रोटी सही से नहीं खा पा रहे हो, चैन की जिंदगी नहीं जी पा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो, किसके लिए करना है? पति कहेगा पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, बस यही इनको बढ़ाना है, इनको आगे बढ़ाना है, इनको बढ़ाना है। सोच सोच के टेंशन ले लेके शुगर हो गई, भूखे रह रह के बीपी ऊंचा नीचा हो गया, नींद नहीं आ रही तो आंखें के नीचे कालापन आ गया, रात के घबराहट भी हो है। डॉक्टर साहब के पास गए तो के डॉक्टर साहब बड़ी बुरी हालत है, वो क्या रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर बस शरीर साथ नहीं दे रहा। आपको लगता है कि पितृदोष बहुत है, एक रुपए कमा रहे हो सवा रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, टेंशन आए दिन आ रहा है, कुछ ना कुछ काम अटक रहा है, बच्चों का जॉब नहीं लग रहा, बेटियों की शादी, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, संतान प्राप्त नहीं हो रही, कहीं आपको लग रहा है कि पितृदोष है, किसी पंडित जी ने आपको बता दिया कि पितृदोष है, तो आप घबराना नहीं अपने को, अपने को कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं कि पितृदोष है तो मेरे को कहीं जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं, उनको बहुत भारी पितृदोष है, ऐसा कुछ नहीं करना। गंगा का जल लीजिए और गंगा का जल भरकर एक कलश श्राद्ध पक्ष के 16 दिन एक कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालकर लोटे में पानी भर कलश भर में जल भरकर एक ढक्कन उसमें गंगा जल डाल दीजिए, 2 सफेद फूल उसमें पटक दीजिए और दरवाजे के पास में कहीं पर भी थोड़ा सा स्वस्तिक बनाकर उसको रख दीजिए। 16 दिन रखो, प्रतिदिन एक रखो और उसका पानी पूरे दरवाजे पर छींट दो, फिर रखो फिर दरवाजे पर छींटो, कैसा भी पितृदोष होगा गंगा महारानी उस पितृदोष को समाप्त कर देती है, क्योंकि शिव के साथ निवास करती है, शंकर के साथ वो रहने वाली है। कोई साधन है गंगा? गंगा जब चलती है तो शिव से आज्ञा लेकर जाती है कि मुझे ये लेने आया है, गंगा शंकर से आज्ञा लेकर जाती है कि ये मुझे ले जा रहे हैं, ये मुझे लेने के लिए आए, मैं इनके साथ जाना चाहती हूं, मैं जाऊं, तब शिव आज्ञा करते हैं, क्योंकि शंकर ने तो अपनी जटा में भर लिया, फिर भागीरथ महाराज ने तप करा था केदारताल, कथा में वर्णन किया, जहां वापिस तप करा केदारताल, फिर तप करा, क्या चाहती हो?
गंगा कहती है भागीरथ जी के कुल को तारना है। एक जटा का केश खोला, गंगा निकलकर चल गई वहां से। पूछेंगे शंकर कहां गई, आपके साथ रह गया कोई व्यक्ति और बिना पूछे चले जाए, कोई श्रेष्ठता है क्या? ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? गया कहां, क्या बात है, दिख नहीं रहा है, गया कहां पर है, ये किस जगह पहुंच गया है, ये पूछना तो पड़ेगा कि आखिर गया कहां। गंगा जब चलती है तो पूछ कर जाती है, जब जब किसी नदी का जल भरकर लाओ। पहले आज्ञा लो, हम फिर निवेदन करेंगे। आपको लगता है कि आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपको लगता है कि आपके घर में शांति नहीं, आपको लगता है कि मेरा यह काम होना चाहिए नहीं हो रहा, तो प्रयास करना, दो लोटा जल घर से लेकर जाइए, एक के ऊपर एक कलश को रख लो, नीचे पांच बेलपत्र, शिवजी के मंदिर में जाकर सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाओ, फिर एक लोटा जो सबसे ऊपर रखा हुआ है उसका पानी शिवजी को चढ़ा दो, दूसरा लोटा जो लेकर गए हो वो जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ा दो, एक मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जहां पर 33 कोटि देवी देवता बुआरी लगाने के लिए आते हैं, जहां लक्ष्मी 24 घंटे रहती है, सरस्वती का निवास है, 64 योगनियां जहां निवास करती हैं, 33 कोटि देवता जिस बेलपत्री के नीचे रहते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने दिल की बात मेरे बाबा से प्रार्थना करो और अपने घर पर आ जाओ, बाबा चाहेगा तो 3 महीने में कार्य सफल कर ही दे। कभी कभी भगवान शिव की आराधना का चित्त आनंद सुख हमें बढ़ाना पड़ता, जाओ शिव मंदिर में थोड़ा विश्वास लेकर, थोड़ा भरोसा लेकर, उसके मंदिर में जाते रहो, वो कभी भी शंख बजा देगा, कभी भी जलवृष्टि कर देगा, कभी करुणा की वृष्टि कर देगा। ये मत सोचना कि आप शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, ये कभी विचार मत लाना कि आप शिव के मंदिर जा रहे हो। जब संकट कटने लगे, मिटने लगे कलेश, तब समझ जाना कि तुम्हारे दिल में शिव ने कर लिया प्रवेश, तब समझ जाना। संकट कटने लगे, तकलीफें कटने लगे, दुख कटने लगे, एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारा मन शिव में रमने लगे, शिव महापुराण की कथा ये लाखों भक्त जो श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, चाहे या दिल जब शिव से जुड़ने लगे, महादेव से जब मन लगने लगे, चित्त जब लगने लगे महादेव, समझ लेना अब तुम मंदिर नहीं जा रहे हो, महादेव खुद तुम्हारे अंदर बैठकर तुम्हें मंदिर तक लेकर जा रहे हैं, स्वयं महादेव। आपको पहले भी कथा में कहा, जब कोई विशेष कार्य होता है और वो कार्य नहीं हो रहा होता है तो क्या करा जाता है, जल जहां आप लोगों ने पहले स्मरण किया है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल यहां से गिर रहा है वो स्थान, जब विशेष कोई कार्य होता है, अटक रहा है नहीं हो रहा, गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाइए, सबको मालूम है ना जलाधारी में, फिर षडानंद कार्तिकेय वाली जगह पर जल चढ़ाइए, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है वहां जल चढ़ाइए,
चढ़ाते चढ़ाते माँ पार्वती मैया के हस्त कमल पर जल चढ़ाकर फिर शिव जी पे जल चढ़ाइए, थोड़ा सा जल बचाइए, वो जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जाकर अपने मन का भाव कहकर चढ़ा दीजिए। चार पांच दिन चढ़ाकर देखिए, बाबा हाथ पकड़ लेगा और वो कार्य सफलता देगा। शिव तत्व की ओर जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो, तब जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो, आप बाबा पर छोड़ दो। 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाएगा।